पक्षी के पास चलता हूँ, जन्म पक्षी। जन्म आपको इतनी तकलीफ क्यों है? डिबेट पे है सिविलाइज लोगों की, ये अफगानिस्तान तालिबान के अफगानिस्तान में नहीं है। इंडिया इज अ सिविलाइज कंट्री, वाओ, ग्रेट टू नो मिस्टर गगनदीप, आपने बहुत अच्छा बोला। दुनिया को सिविलाइजेशन हिंदुस्तान से मिली है, जावेद कफारी साहब, और उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं जो आपने बर्बाद कर दी। जनबख्शी डिबेट को फॉइल करने आते हैं, ठीक है? आप भी हम इससे निकले हैं। माथे की नस पड़ जाएगी, माथे की नस पड़ जाएगी जनाब। आप नस नहीं पड़ेगी आपकी, गगनदीप आपको सिर्फ गगनदीप बुलाऊंगा, आपको गुस्सा चढ़ जाएगा। आपके अलग बाल है, नाम रखे क्यों नहीं बुलाते लड़के? जी क्यों कहते हैं अपने आप को ए लड़के? गगनदीप कितना प्यारा जनरल गगनदीप नाम है मेरा, लेकिन आप जी नहीं बुलाते अपने आप को जनरल। जनरल तो है ही ना, पहले तो गगनदीप थे ना, इसमें क्या गुस्सा है आपको? ठीक, अच्छा ठीक है, अब आप चुप हो जाइए। बोलने की तहजीब दिखाइए, ये तहजीब से डिबेट चलती है, तहजीब से करिए। जावेद गफ्फारी साहब थोड़ा उम्र कर याद करिए, जावेद गफ्फारी साहब देखिए आप और मैं झगड़ लिए ना बहुत है, आपके लिए मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन किसी की भी उम्र का सम्मान करिए। सवाल जवाब हो सकते हैं, व्यक्तिगत में इज्जत ही नहीं, प्लीज सिर्फ जनरल बख्शी की आवाज डाउन करिए। हेलो दीपक साहब, जनरल बख्शी आप बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल अपने जो पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके साथ करना चाहता हूं, ठीक है? मेरा सवाल ये है कि तालिबान ने दोहा में अमेरिकन्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम अपने देश के इलाके को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी टेररिस्ट हमले के, ठीक है? तालिबान ने कहा था कि वो जबरदस्ती टेक ओवर नहीं करेंगे, ये दोहा में लिखित शर्तें हैं। उन्होंने जबरदस्ती काबुल टेक ओवर किया है, नंबर एक। और अब आईएस खुरासान ने शरेआम पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीं से अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट हमला किया है, काबुल एयरबेस में 180 अफगान मारे हैं, 13 अमेरिकन मरीन मारे हैं, 18 घायल किए हैं। क्या ये एग्रीमेंट तोड़ा है कि नहीं? और अगर अभी ये हाल है जबकि उन्होंने टेक ओवर किया, तो बताइए आगे तालिबान और पाकिस्तान कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि वहां से टेरर स्ट्राइक्स नहीं होगी पूरी दुनिया भर में? साहब प्रॉब्लम ये है कि आप ना चैन से जीते हैं ना किसी को चैन से जीने देते हैं। अपने पड़ोसियों की जिंदगी आपने हराम करके रखी, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, ठीक है साहब? आपने जिंदगी जीना अपना हराम किया हुआ है, औरों का हराम कर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसे 200 साल पुराने मुल्क का आपने आज खात्मा कर दिया है इस्लामियत के नाम पे, आपने पागल छोड़ दिए हैं। जहां हमारी बिटिया जो बैठी है इस शो पे वो जाके रहना नहीं चाहेगी, पूछ लीजिए इस बिटिया से, पाकिस्तान की बिटिया है, क्या वो जाके आज काबुल में रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बेटी वहां भेजना चाहेंगे? आप अपने बच्चे वहां भेजना चाहेंगे? ये आपने शारिया लॉ वहां इम्पोज जो किया है, व्हाट अ वर्जन ऑफ शारिया लॉ। वहां से लोग, आप दांत मत दिखाइए, सीरियस बात हो रही है आपका, या तो दिमागी संतुलन में कुछ खराबी है, बात कर रहे हैं, आप दारू पी के आते, आप दारू की घूंट लगा के तो नहीं आते, साहब दारू की घूंट लगा के तो नहीं आते साहब। सीरियस बात।